स्वामी, मेरे गले में तो कांटे चुभ रहे हैं, बहुत प्यास लगी है मुझे। गागर में जो जल था वो भी समाप्त हो चुका है और ताप भी बहुत अधिक है आज। सत्य कहती हैं आप, लगता है सूर्य देव ने अपनी सारी किरणों का भंडार आज ही लुटा देने का निश्चय कर लिया है। कहीं कोई कुआं ताल भी दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी, वह देखिए वहां एक कुटिया दिखाई दे रही है। कहां? वहां, संभव है हमें वहां जल मिल जाए। महारानी, इस दहकते हुए नरक में यह कुटिया वैकुंठ के एक छोटे से टुकड़े के समान लग रही है। वहां अवश्य में प्यास बुझाने की सामग्री मिल जाएगी। शीघ्र चलिए स्वामी। चलिए, चला। क्या हम भीतर आ सकते हैं? हम प्यास के मारे दो यात्री जल ग्रहण करना चाहते हैं। यात्रीगण, ऋषि की कुटिया के द्वार तो सबके लिए खुले होते हैं। प्रणाम ऋषिदेव। प्रणाम ऋषिवर। अरे आप तो महाराज विरोचन हैं, और आप अवश्य महारानी विशालाक्षी होंगी। आप दोनों का भूरी भूरी स्वागत है, पधारिए। ऋषिदेव, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं? ये सब औपचारिकता तो होती ही रहेगी, किंतु मैं देख रहा हूं आप दोनों पसीने में तर हैं, बहुत प्यासे भी। पहले थोड़ा जल ग्रहण कर लें, परिचय भी हो जाएगा। शिष्य, अतिथि गण की प्यास बुझाने का प्रबंध करो। क्या तुम देख नहीं रहे कितने प्यासे हैं दोनों? पधारिए महाराज, पधारिए महारानी, आइए। पधारिए, आइए। कैसी विचित्र विडंबना है। क्या देवी, किस विडंबना की ओर संकेत कर रही हैं आप? कुटिया के बाहर कितना अधिक ताप है, जैसे नरक के द्वार खुल गए हों। और ये कुटिया कितनी शीतल है, जैसे वैकुंठ का कोई अंश। महारानी, एक ऋषि की कुटिया है, शीतलता यहां ना मिले तो फिर संसार में कहीं नहीं मिल सकती। विराजिए महाराज, विराजिए महारानी। लीजिए, जल आ गया। अतिथिगण, जल ग्रहण करें। यह जल भी बहुत शीतल है, सारे जीवन की प्यास बुझा देगा। मुझे विश्वास है ऋषिदेव। लीजिए स्वामी। Thank you.
यही वो मुकुट है ना, सूर्य देव का वरदान, जिसके होते मृत्यु विरोचन के पास भी नहीं पटक सकती। शिष्य मले केतु, फेंक दो इसे ले जाकर कुएं की गहराई में, शीघ्र अति शीघ्र हमारे आदेश का पालन हो, जाओ। जो आगे देवराज। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, मैं तो समझता था महाराज विरोचन मेरा स्वागत करने आएंगे। वही आते गुरुदेव, परंतु महाराज विरोचन महारानी सहित पुत्र बलि के गुरु दक्षिणा समारोह में सम्मिलित होने के लिए कामरूप देश चले गए हैं। कब? आज ही गुरुदेव, परंतु वे दोनों अकेले ही चले गए गुरुदेव। अकेले ही चले गए? हाँ गुरुदेव, मैंने उन्हें बहुत कहा कि सेना की टुकड़ी उनके साथ भेज देता हूं, परंतु महाराज विरोचन माने ही नहीं। सेना नहीं ले गए, ये तो शुभ नहीं हुआ। शिष्य विरोचन से भारी भूल हुई है गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। परंतु मैं समझ गया, पुत्र आह्लाद, हमें तुरंत उसी ओर चलना होगा जिधर शिष्य विरोचन गया है। परंतु क्यों गुरुदेव? उसके प्राण घोर संकट में है। क्या? तनिक भी विलंब हुआ तो इस विलंब का प्रायश्चित कठिन हो जाएगा। आओ मेरे साथ। चलिए गुरुदेव। सब क्या है, क्या चाहते हैं आप? कुछ अधिक नहीं, मैं केवल यह चाहता हूं कि तुम अपना वो निर्णय लौटा लो जिसके अंतर्गत तुमने अपने राज्य में विष्णु के अतिरिक्त शेष सभी देवताओं का पूजन बंद करवा दिया है। क्यों? भगवान विष्णु की पूजा से आपको क्या आपत्ति है? भगवान विष्णु की पूजा पर हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु अपनी पूजा न होने पर हमें अवश्य आपत्ति है। ये वर्षों से चली आ रही परंपराओं के प्रतिकूल है। परंतु मेरे विचार में ये सर्वथा नियमों के अनुकूल है। केवल भगवान विष्णु ही हमारे आदर्श हैं। हमें केवल ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए। कोई व्यक्ति हमारा आदर्श नहीं हो सकता। मूढ़मति, हम व्यक्ति नहीं हैं, हम देवता हैं। देवता? मैं जानता हूं कि आप देवता हैं, पर क्या मैं जान सकता हूं कि देवता होकर आपने इतना गिरा हुआ कार्य क्यों किया? क्या गिरा हुआ कार्य किया है मैंने? ऋषि का वेश धारण करके प्यासे यात्रियों को ठगना क्या देवताओं को शोभा देता है? ये नीति है। यदि नीति के नाम पर देवता भी छल करने लग पड़े तो मानवों
दैत्यों और देवताओं में अंतर ही क्या रह जाएगा? विवाद में समय नष्ट मत करो सम्राट विरोचन। तुम अपना निर्णय वापस लेते हो या? ये मत समझिएगा देवराज इंद्र कि सूर्य देव का मुकुट छिन जाने से मैं निशस्त्र हो गया। मुझे शस्त्र विद्या भी आती है, परंतु इस समय मैं अपने पुत्र के गुरु दक्षिणा समारोह में सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूं। मुझे लौट कर आने दीजिए, फिर यह निर्णय भी हो जाएगा कि मुझे अपना आदेश लौटाना है या नहीं। ये क्यों नहीं कहते कि मुकुट छिन जाने से भयभीत हो? यदि वीर हो तो उठाओ शस्त्र। गुरु शुक्राचार्य को इसका अवसर नहीं दूंगा कि वो आकर तुम्हें संजीवनी मंत्र से जीवित कर दे। तू एक देवता नहीं, वधिक है।
हत्यारा है तू, एक कायर हत्यारा जो वेश बदलकर धोखे से निर्दोषों की हत्या करता है। सौगन है मुझे अपने पिताश्री की आत्मा की, जिन्हें तूने छल से मार दिया। जब तक मैं तेरे अभिमान को विध्वंस न कर दूं, जब तक तुझे तेरे सिंहासन से उतार कर मिट्टी में ना मिला दूं, तब तक स्वयं पर अंजल निंद्रा वर्जित रखूंगा। इतनी निर्शंसता, ऐसी निर्ममता, धिक्कार है इन देवताओं पर, धिक्कार है। गुरुदेव, मुझे आपको गुरु दक्षिणा देनी है। मैं दूंगा गुरुदेव, अवश्य दूंगा। आप जो मांगेंगे वही दूंगा। परंतु हत्यारे इंद्र से अपने पिताश्री के वध का प्रतिशोध लेने के उपरांत मैं समझता हूं शिष्य, इस समय तुम्हारे मन पर जो बीत रही है मैं उसे भले भांति समझ रहा हूं। तुम गुरु दक्षिणा की चिंता छोड़ दो, मुझे स्वयं तुम्हारे पिता विरोचन की हत्या, ऐसी निर्मम हत्या का समाचार सुनकर बड़ा धक्का पहुंचा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि देवता इतने हृदयहीन होंगे, किसी को भी मारकर जलाकर राख भी कर देंगे। गुरुदेव, मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं समस्त देवलोक को जलाकर भस्म न कर दूं। गुरुदेव, कृपा करके मुझे देवलोक जाने की अनुमति दीजिए। तुम देवलोक जा रहे हो अकेले? हां गुरुदेव, मैं अकेला ही देवलोक जाऊंगा। नहीं, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं गुरुदेव, मेरे पिताश्री की हत्या हुई है और उसका प्रतिशोध लेना मेरी व्यक्तिगत समस्या है। मैं देवताओं की भांति कायर नहीं हूं, मैं उन्हें ललकार कर मारूंगा। गुरुदेव, आप कृपया करके मुझे अनुमति दीजिए। विजयी भव। चला था हमारी पूजा समाप्त करने, हमने उसी को समाप्त कर दिया। आज समझ देवलोक दीपोत्सव मनाएगा, क्योंकि हमारे शत्रु का जीवन दीप बुझ चुका है। देव राजेंद्र, एक जीवन दीप तो तुमने अवश्य ही बुझा दिया, किंतु उस ज्वाला को तुम कदापि ना बुझा पाओगे जो प्रतिशोध की सौगंध से मेरे मन में भड़क उठी है। कौन हो तुम बालक? मैं वही हूं देवराजेंद्र, जिसके पिता को तुमने कायरता से मार डाला। मैं वही हूं जिसके पिता मां प्रह्लाद ने तुम देवताओं को कारागार से छुटकारा दिलाया था, और उसका उत्तर तुमने यूं दिया कि उसके निर्दोष पुत्र अर्थात मेरे पिता श्री को जलाकर राख कर दिया। देवराजेंद्र, मैं विरोचन पुत्र बलि हूं। विरोचन पुत्र, यहां क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहां क्यों आया हूं? मैं तुम्हारी इस भरी सभा में यह घोषणा करने आया हूं कि जो संधि मेरे पितामह प्रह्लाद ने की थी वो संधि अब मैं समाप्त करता हूं। देवराजेंद्र, मैं तुम्हें तुम्हारे इस सिंहासन से नीचे उतारने आया हूं, और हां, मैं तुम्हारी भांति कायर नहीं हूं जो पीठ पर आघात करता है। मैं तुम्हारे समक्ष आकर तुम पर आक्रमण करता हूं। लो, संभालो मेरा वार। Ah! 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 Ah!
घेर लो इस उपेन्द्र साहसी बालक को, ये नीच दुष्ट यहां से जीवित बचकर जाने ना पाए। इसके पहले कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी मंत्र से पुनर्जीवित कर दे, मैं इसे भी इसके पिता की भांति जलाकर राख कर दूंगा। रुक जाइए देवराज इंद्र, रुक जाइए। लक्ष्मीपति आप? आज तो आपने देवत्व की परिभाषा ही बदल दी देवेंद्र। आज तो ऐसा लग रहा है कि देवत्व और पशुता एक ही अर्थ के दो शब्द हैं। इतनी निर्ममता, इतनी नृशंसता, भूल तो आपसे कई बार पहले भी हुई है देवेंद्र, परंतु आज तो आपने समस्त देवलोक के इतिहास को कलंकित कर दिया। आपकी इस क्रिया ने देवत्व का सिर झुका दिया है देवेंद्र। यह क्रिया नहीं है सर्वेश्वर, प्रतिक्रिया है। दुष्ट विरोचन ने जो किया हमने उसी का प्रत्युत्तर दिया है। और क्या किया दुष्ट विरोचन ने? उस अधम ने तो हमारी पूजा बंद करवा दी थी। आप तो देवता हैं, आपको तो यह ज्ञात होना चाहिए देवराजिंद्र कि पूजा किसी के प्रति स्नेह और श्रद्धा की ऐसी भावना है जो यदि मन में जन्म ले तो कोई उसे दबा नहीं सकता, परंतु यदि मन में जन्म ना ले तो कोई उसे उत्पन्न भी नहीं कर सकता। परंतु हे परमनाथ, हमारी पूजा तो न जाने कब से निरंतर होती चली आ रही है। यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र?
हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, ये पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार हैं पूजा, अच्छे कर्म हैं पूजा, दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहु और बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। और मुझे खेद है देवराजेंद्र कि आप पूजा, पूज्य और पुजारी के अर्थ को ही भुला बैठे। और इसीलिए है देवराजेंद्र, जिस प्रकार अपने मार्ग में चट्टान को खड़ा पाकर नदी की धारा अपनी दिशा को बदल लेती है, उसी प्रकार आपके इस अहंकार को देखकर मैं भी आपसे अपना मुख मोड़ रहा हूं। हे सर्वेश्वर, ऐसा मत कहिए। आप में रहे तो हम मानव से भी अधिक शक्तिहीन हो जाएंगे। सत्य पूछिए तो यदि ऐसा हो भी गया तो मुझे उसमें तनिक भी दुख नहीं होगा, क्योंकि कई बार मैंने मानव को आप लोगों से अधिक श्रेष्ठ पाया है। नहीं देवगण, नहीं, अब से किसी भी विपदा में आप मुझे अपने साथ नहीं पाएंगे। मैं आपसे बहुत दुखी हूं। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं नीलकांत, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने वाला मैं कौन होता हूं देवराज इंद्र? आपको तो क्षमा मांगनी चाहिए विरोचन से, जिसका शरीर आपने जलाकर राख कर दिया। आपको क्षमा मांगनी चाहिए विरोचन पुत्र बलि से, जिसकी आप सब ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी। तो क्या आप कुछ नहीं हो सकता? घर भुग जाने के उपरांत यदि आंख खुल भी जाए तो क्या लाभ देवराजेंद्र? हे सर्वेश्वर, क्या हम किसी भी ढंग से इस कार्य का प्रायश्चित नहीं कर सकते? प्रायश्चित? प्रायश्चित कैसे करेंगे आप देवराज? विरोचन की राख से उसका शरीर पुनः जीवित कर देंगे? ये जो रक्त पड़ा है भूमि पर, ये बलि के शरीर को लौटा देंगे? आप लोगों ने प्रायश्चित के लिए तो कोई स्थान शेष ही नहीं छोड़ा। मैं बहुत लज्जित हूं लक्ष्मीपति। आपकी लज्जा किसी काम की नहीं देवराजेंद्र। आपके माथे का पसीना बलि की रगों में दौड़ता हुआ रक्त पुनः नहीं बन सकता। एक शिष्टाचार शेष रह गया है, केवल एक शिष्टाचार, जिसका प्रदर्शन आप कर सकते हैं, बल्कि उसका प्रदर्शन आपको करना ही चाहिए। यद्यपि उससे आपके अपराध का भार कम नहीं होगा। आज्ञा दें जनार्दन। बलि के पार्थिव शरीर को वहां पहुंचा दो जहां उसकी दुखियारी माता बिलख रही है, जहां उसके गुरु शुक्राचार्य शोकाकुल खड़े हैं, जहां उसके ताया श्री आह्लाद अश्रु पीने का असफल प्रयास कर रहे हैं। मुझे खेद है देवगण, मुझे खेद है। और यह भी जान लीजिए कि आज का दिन देवलोक से, विशेषतः आप लोगों से, मेरे संबंध का अंतिम दिन है।